सासनी थाना क्षेत्र स्थित अस्थायी जेल से फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी। जनपद हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रकाश एकेडमी स्कूल में बनी अस्थायी जेल से देर शाम एक कैदी हुआ फरार। थाना मुरसान के गांव सुरीर का आरोपी गुलफाम पुत्र जमील धारा 379 और 411 का था अपराधी। अस्थायी जेल से पुलिस की सुरक्षा से फरार हुआ था। पुलिस प्रशासन में मचा रहा हड़कंप। देर रात मुरसान पुलिस ने किया उसे पुनः गिरफ्तार। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक हाथरस ने 15,000 रुपए का इनाम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश हाथरस से प्रतीक बासने की रिपोर्ट। जनपद हाथरस के थाना मुरसान पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए अस्थायी जेल से फरार अभियुक्त को मात्र 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आज शाम करीब 6 बजे थाना सासनी क्षेत्र स्थित एक अस्थायी जेल से चोरी के एक अभियुक्त जो दीवार फांद के फरार हो गया, इस संबंध में जेलर के लिखित तहरीर के आधार पर थाना सासनी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इस फरार अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। इन्हीं टीमों के अथक प्रयास के क्रम में थाना मुरसान पुलिस द्वारा इस फरार अभियुक्त को मात्र 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इस अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इस सराहनीय कार्य के लिए इस गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 15,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।